क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू प्रीवियस एंगल थीटा। इफ न्यू रिप्रेजेंटेड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। इसने कहा है कि ब्रिविस लॉ है, तो ब्रिविस लॉ में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 100% पोलराइज हो जाती है, तो लाइट रे जब 100% पोलराइज हो जाती है तो लाइट रे ब्रिविस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, ब्रिविस्टर लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास होता है टेंजेंट आई पी इक्वल टू क्या होता है न्यू के इक्वल, यानी कि आई पी इक्वल टू क्या हो जाता है टेंजेंट इनवर्स न्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जब लाइट रे क्या हो जाती है, लाइट रे क्या हो जाती है, लाइट रे 100% पोलराइज, लाइट रे उसमें क्या होती है 100% पोलराइज हो जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और इसमें क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का क्या हो जाता है, हमारे पास जो थीटा होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। जब लाइट रे 100% पोलराइज हो जाती है तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे वो 100% पोलराइज हो जाती है, उस टाइम पे वो क्या होता है हमारे पास एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन के। तो दिस इज द क्वेश्चन।